मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम के समय आजादी के मतवालों में जोश भरने का कार्य किया। आजादी की लड़ाई में प्रभावशाली कविता के चलते ही महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी थी। 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। दोस्तों, आज हम सुनेंगे दद्दा की मशहूर रचना जयद्रथ वध का एक प्रसंग। अर्जुन की प्रतिज्ञा, इसमें द्रोणाचार्य के द्वारा रचित चक्रव्यूह में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के वध के बाद का प्रसंग है। चक्रव्यूह में फंसे निहत्थे अभिमन्यु को दुर्योधन जयद्रथ सहित 7 महायोद्धा घेर कर मार डालते हैं। अभिमन्यु की मृत्यु पर अर्जुन क्रोधवश ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि या तो वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर देगा या तो वह अग्नि समाधि ले लेगा। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा को लेकर मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अच्छे शब्द दिए हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। युग नेत्र उसके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से, अब रोष के मारे हुए वे दहकते अंगार से। निश्चय अरुणिमा मिस अनल की जल उठी वह ज्वाल ही, तब जो द्रिगों का जल गया शोकाश्रु जल तत्काल ही। साक्षी रहे संसार करता हूं प्रतिज्ञा पार्थ में, पूरा करूंगा कार्य सब कथानुसार यथार्थ में। जो एक बालक को कपट से मार हंसते हैं अभी, वे शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी। अभिमन्यु धन के निधन से कारण हुआ जो मूल है, इससे हमारे हत हृदय को हो रहा जो शूल है। उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अवसार है, उन मुक्त बस उसके लिए रौ रौ नरक का द्वार है। उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रण मध्य जो मारू न मैं, तो सत्य कहता हूं कभी शस्त्र फिर धारू न मैं। अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रण है यही, साक्षी रहे सुन ये वचन रवि शशि अनल अंबर मही। सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ का वध करूं, तो शपथ करता हूं स्वयं ही अनल में जल मरूं।